का है। अब आपकी मर्जी है किस मौके का गुवाते हैं, किसका लाभ उठाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पेपर का सुरक्षा आपको करा देते हैं। देखिए ना, सबसे पहले कुछ निर्देश लिखा हुआ कि पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट है। आपको ये जो पेपर है दो खंडों में और बहुत विभाजित है। अखंड हमारा 20 नंबर का होगा, बखंड हमारा 50 नंबर का होगा, जिसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे चलिए खंड आपके सामने आ गया। खंड आपको 20 MCQ मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए वायरल पेपर का जो आपको पहला प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास पेपर आने वाला है, तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वायरल पेपर का जो 3 मार्च का वायरल पेपर है, इसका पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, कौन ऑप्शन दिया गया, वर्ष 1919 में ऑप्शन आपको दिया गया, वर्ष 1939 में गो आपको दिया गया, वर्ष 1914 में गो आपको दिया गया, वर्ष 1942 में। ताकि आपका सही आंसर यहाँ पे गो वाला हो जाएगा। 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हमारा क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। आपका कौन ऑप्शन नहीं सही है, यहाँ पे क्या है, गो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। वीडियो देखिए पूरा का पूरा, मतलब समाज विज्ञान का वायरल पेपर का मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन ही करा दूंगा। यहाँ पे एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग कौन सा तैयार करना है, शॉर्ट कौन सा तैयार करना है, आपको मानचित्रकार में क्या क्या तैयार करना है। इस वीडियो को जो लास्ट देखेगा 70 में 70 नंबर आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको दिया गया कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका था, आपको बताना भैया जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। पहला आपको दिया गया ऑटो वन बिस्मार्क, दूसरा आपको दिया गया हिटलर, तीसरा आपको नेपोलियन दिया गया, चौथा इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका था किसका था, कौन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिस्मार्क हमारा क्या था, मुख्य भूमिका था। आई होप आपको एक होप आपको प्रश्न समझ मारा, जिन लोगों को प्रश्न समझ मारा प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद से क्या कीजिएगा, एक और वायरल पेपर का मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरा का पूरा वायरल पेपर का सोल्यूशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपको भी वायरल पेपर का पीडीएफ नोट चाहिए, वो क्या करेंगे, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चलिए आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए आपको तीसरा प्रश्न दिया गया, वायरल पेपर का तीसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। आपको बताना भैया असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। पहला आपको ऑप्शन दिया गया रॉलेट एक, दूसरा दिया गया प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा आपको दिया गया खिलाफत आंदोलन, और चौथा आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था क्या था, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रॉलेट एक हमारा क्या था मुख्य कारण होगा। किसी भी प्रश्न अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, अगर किसी प्रश्न का उत्तर मैं गलत बता दूंगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, आपको दिया गया कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन प्रश्नों को बिल्कुल देख के आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। जो लोग इन प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे उनको 70 में 70 नंबर मिल सकता है, जो नहीं तैयार करेंगे उनको हो सकता है कि नंबर कम आ जाए। आपके पास लास्ट मौका, अगर आप चाहते तो नंबर अपना बढ़वा सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट देखना है। और जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा उनको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। 3 मार्च को ऐसे ही पेपर आपके सामने आने वाला है। यहाँ पे दिया गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो आपको याद रखना कि कपास की खेती के लिए जो हमारी मृदा उपयुक्त होती है काली मृदा होती है, तो कौन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आधार ऑप्शन दिया गया, लाल मृदा दिया गया, जलोढ़ मृदा दिया गया, लेटराइट मृदा दिया गया, लेकिन आपको कपास की खेती के लिए हम लोग क्या करेंगे, काली मृदा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, वायरल पेपर का वायरल प्रश्न आप देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सी रबी फसल, आपको बताना कि भाई ये जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन रबी की फसल है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया चावल, दूसरा दिया गया मोटे अनाज, तीसरा दिया गया चना, और चौथा आपको दिया गया कपास। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, चना जो हमारा होता है रबी फसल के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, वायरल पेपर का दिया गया है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है जो अंकलेश्वर है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पहला दिया गया तांबा, दूसरा दिया गया जस्ता, तीसरा दिया गया पेट्रोलियम, चौथा दिया गया यूरेनियम। तो आप याद रखिएगा जो अंकलेश्वर है वो क्या है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो गोवा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वायरल पेपर का 7 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का विषय, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा क्या है संगीत सूची में शामिल है। आपको पहला दिया गया रक्षा, दूसरा दिया गया कृषि, तीसरा दिया गया व्यापार, और चौथा दिया गया शिक्षा। आप याद रखिएगा जो रक्षा हमारा होता है वो क्या होता है, संगीत सूची का विषय है, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से बिल्कुल वायरल पेपर का हमारा वायरल प्रश्न दिया गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। 8 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि भैया चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया मृदा संरक्षण से, दूसरा को दिया गया वन संरक्षण से, तीसरा को दिया गया जल संरक्षण से, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए जो चिपको आंदोलन है हमारा क्या है, वन संरक्षण से हमारा संबंधित है। कॉल आपसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वायरल पेपर का आपको 9 नंबर का प्रश्न दिया गया, सलाल बांध किस नदी पर बना है। आपको बताना भैया सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ, दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, महानदी, चिनाब दिया गया, तो और ऑप्शन देगा, लेकिन सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना कि सलाल बांध किस नदी पे है, तो चिनाब नदी पे, दो और ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। लेकिन इसमें जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ बिल्कुल इनको क्या करना है, तैयार करके जाना है। बिल्कुल यहाँ पे क्या वायरल प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत आता है, इन प्रश्नों को तैयार करके ही आप जाना है। अगर आपका भी टारगेट होगा सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ये क्या है, वायरल पेपर है, और ऐसे ही पेपर आने की संभावना है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना है और इन प्रश्नों को तैयार करना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि एक और वायरल पेपर मिलने वाला। अगर दोनों वायरल पेपर देख लेते हैं तो 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको भी इसका पीडीएफ नोट चाहिए, आपको वायरल पेपर का वीडियो चाहिए, तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। एक व्यक्ति क्या करे, 5 व्यक्तियों को शेयर करें, ताकि क्या हो जाए, सभी को लाभ हो सके। बिल्कुल भाई लास्ट हमारा पेपर है और हमारे हाथों में क्या है, लास्ट मौका है कि अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। अभी चाहते कि आपका दोस्त का भी परसेंटेज हमारा क्या हो जाए, अच्छा खासा हो जाए, तो क्या करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। चलिए आपको दो ऑप्शन और दिखा देते हैं। दो और ऑप्शन आपको दिया गया था, गौ में आपको शत्रु दिया गया था और गौ में कृष्णा दिया गया था, तो हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, वायरल पेपर का दिया गया कि निम्न से कौन सी रोपड़ फसल है। आपको बताना भैया इसमें से कौन सा हमारा रोपड़ फसल है। पहला आपको दिया गया गेहूं, दूसरा दिया गया चना, तीसरा दिया गया गन्ना, चौथा दिया गया मूंगफली। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, रोपड़ फसल के अंतर्गत हमारा क्या होता है, गन्ना आता है। तो गौ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न दिया गया, वायरल पेपर में क्या दिया गया है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। आपको बताना कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, लोग जो अधिकतर किस पे डिपेंड रहते हैं, उद्योग पे रहते हैं, कृषि पे रहते हैं, व्यवसाय पे रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा भारत में जो जीविका का प्रमुख स्रोत हमारा क्या है, कृषि है। तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर का प्रश्न दिया गया, वायरल प्रश्न का देख सकते हैं कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। भाई दो राज्यों के बीच क्या होता है, किसी वस्तु का अगर आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, दूसरा कहला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, तीसरा आपको दिया गया आंतरिक व्यापार कहलाता है, और चौथा आपको दिया गया वस्तु विनिमय कहलाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे घोल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि जब भी क्या होता है दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। घोल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर का प्रश्न दिया गया, वायरल पेपर का 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। पहला आपको ऑप्शन दिया
गया पंजाब, दूसरा दिया गया गुजरात, तीसरा दिया उत्तराखंड और चौथा आपको दिया गया मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा जो हमारा टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड में, तो गोवाल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर का वायरल प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है भाई महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। पहला आपको ऑप्शन दिया गया 1929 में, ये देखिएगा 1919 लिखा गया था लेकिन क्या 1929 है, यहाँ पे 1924 है, यहाँ पे 1924 दो बार है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1934। याद रखिएगा कि जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 में हुआ था, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, 1929 में हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वायरल पेपर का जो 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया दामोदर नदी, नर्मदा नदी, चिनाब नदी या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना हमारा बनाया गया था दामोदर नदी पर बनाया गया था, तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या आपको 15 एमसीक्यू करा दिया, बिल्कुल वायरल पेपर है, याद रखिएगा लास्ट मौका आपके